हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, बिहार दरोगा के लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 7, 8, 9 और 10 को लगाने वाले हैं, यानी कि 7, 8, 9, 10 को लगाने वाले हैं। जो भी लोग नए हैं, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। आपको पता होगा इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक का क्लास आपको दिया जा चुका है। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले देख लेते हैं। बताएं कि पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। यहां पे नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी में है, इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग है। प्रत्येक आवर्त का जो पहला सदस्य है वह क्षार धातु और अंतिम सदस्य जो है वह कोई ना कोई निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है, नंबर सेकेंड है, दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे में डुबोया जाता है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी। यहाँ पर आपको नंबर डी टिक करना होगा, क्योंकि लवण का जो विलयन है यही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से अगर संयोजित है तो इन तारों को ना लवण का विलयन में डुबोया जाता है। और प्रकरणों में अगर पूछेगा तो ये पास में जो रखी दिशक सूचक सुई होती है यही विक्षेपण दर्शाएगी। नंबर थर्ड है, सूची को यहाँ पर मिलाइए। देखिए, चांदी के लिए आपको पता है ना AU का यूज करते हैं। AU कहाँ है, नंबर 4 में है। चांदी के लिए AU नहीं, AG का यूज करते हैं, है ना। AG हो गया आपका, ठीक है, चांदी के लिए। इसके अलावा आ जाइए सोना पर। सोना के लिए आपको करना होता है AU, पारा के लिए HG, सीसा के लिए PB हो जाएगा। ठीक है, टीन का अगर संकेत पूछता है तो यह SN जो दिया हुआ है टीन का होता है, एक छूट रहा है जिसे आपने देख लिया। नंबर 4 है, मानव समूह संबंधित है कहाँ से। जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आप क्लास को रोक लिया करेंगे। नंबर डी, यह फाइलम कार्टोडिया के अंतर्गत क्लास मेमेलिया से संबंधित होता है। मानव समूह फाइलम कार्टेडा के अंतर्गत क्लास मेमेलिया से संबंधित है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। डेंगू ज्वर तो फैलता है, फाइलेरिया सिस फैलता है, निद्रालु व्याधि नहीं फैलता है और मलेरिया भी फैलता ही है। ठीक है, नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये ना प्रोटोजोवा से एक होता है, एक प्रोटोजोवा होता है उसी से ये फैलता है निद्रालु व्याधि। नंबर 6 है, भारत में मानक समय उस मानक जाम्योत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है, बताइए गुजरती है कहाँ से। यहाँ पर आपको नंबर डी टिक करना पड़ेगा, इलाहाबाद से यह गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भूप्रपटी के अंदर शैल मूल की शीतलन यानी कि घनीभूत से बनती है, क्या बनती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पातालीय चट्टान बनता है। कपाशी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, ओला कहते हैं। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी, हारमूज जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। ओमान और फारस की खाड़ी हारमूज जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर जो है यह उच्च होता है, उच्चतर होता है। तो नंबर 10 में आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बताना होगा, किसका, दिल्ली हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत संकीर्ण भूभाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, स्थल संयोजक कहते हैं। नंबर 12 है, वलित पर्वत के बनने का कारण क्या है।
वलित पर्वत के बनने का कारण क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर, क्षैतिज संपीड़न बल हो जाएगा, ठीक है। नंबर 13 है, सॉल्व कर लीजिएगा, डी आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 14 को देखिए, पुष्यभूति, यहाँ पर विचार करके बताना है सही कथन, ठीक है। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, यह आप जानते हो, ठीक है। और इसकी जो पहली राजधानी है ना, कन्नौज नहीं थी, थानेश्वर थी, ठीक है, थानेश्वर थी। यह तो कथन गलत हो गया। पुष्यभूति वंश प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, यह भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। देखिए, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम था राजश्री, यह ध्यान रखिएगा। 3 पुत्र नहीं होकर के 2 पुत्र यहाँ पर होगा सही जवाब, ठीक है। यह भी कथन गलत है। हर्षवर्धन ने सबसे पहले प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था, हाँ यह सही है। हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था, यह भी सही है। तीसरा और चौथा कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर टिक कर देंगे। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, बताइए वह कौन सा है शहर, मतलब वह कौन से शासक हैं दिल्ली सल्तनत के, उस शासक का नाम आपको बताना है। नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी थे वे। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी कब? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 16 में भी टिक करना होगा, पहले विश्व युद्ध के समय में हुआ था, ठीक है, 1916 के समय में हुआ था, आप जानते हो। नंबर 17 है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला संविधान संशोधन 1951 में लाया गया था जो भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में आया, राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नहीं, एक मिनट, 1956 में आया था, राज्य से यह संबंधित था ना, राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन, देखिए यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। राष्ट्रपति शासन दिया है ना, तो यहाँ पे राज्य होना है, ठीक है, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित था, याद कर लीजिए। तो यहाँ पे नंबर सेकेंड ही मिल गया जो गलत है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया था जो सहकारी समितियों से संबंधित है, सही बात है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आया था जो भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित था। नंबर 18 में सॉल्व करना होगा आपको, बी आ जाएगा सही जवाब। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई क्या है, बताइए क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.4 माइक्रोन सही जवाब है। नंबर 20 है, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए, इसकी क्या होती है ना, त्रिज्या बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, त्रिज्या इसकी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मैच कर लीजिए, देखिए ऋग्वेद के लिए आपको कौशित की ब्राह्मण बताना होगा, सामवेद के लिए 25 ब्राह्मण, यजुर्वेद के लिए शतपथ, अथर्ववेद के लिए गोपद ब्राह्मण यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नंबर 22 पर आइए, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पूछा है परमार राजा के बारे में, तो यहाँ पे उदयादित्य बताना होगा, ठीक है, इन्होंने स्वर्ण मुद्रा का शुरुआत करवाया था। राजा शाहू का प्रथम पेशवा कौन था? ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ था, राजा शाह का प्रथम पेशवा। नंबर 24 है, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? 1833 के चार्टर्ड एक्ट में था, नियुक्ति में जो भेदभाव होता था उससे संबंधित प्रावधान। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? लाहौर वाले अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कारक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा वर्ष 1905 में शुरू किया गया था, सही है। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1887 में, बिल्कुल सही है। गदर पार्टी की स्थापना हरदयाल परमानंद और काशीराम ने 1913 में, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा के कह रहे फिरोज शाह मेहता ने 1870 में किया था, याद करिए, सही है। तो एम जी रानाडे रानाडे किए थे ना इसका, या तो गलत हो जाएगा, है ना, इसे आप याद रखिएगा। पांच नदियों का प्रवेश किसे कहा जाता है? पंजाब, पंजाब का नाम ही है पांच नदी के प्रवेश से। राइन नदी, देखिए भौगोलिक उपनाम अगर जानना चाहे ना, तेल की नदी नाइजर को कहा जाता है, पश्चिम का बेबीलोन पूछा जाता है, रोम को कहते हैं, पूर्व का मोती, श्रीलंका को कहते हैं, लिली का देश पूछा जाता है, कनाडा, पांच सागर का पतन पूछेगा तो मास्को बताइएगा, नदियों का देश पूछा जाता है, नदियों का देश कौन सा है बताइए, कमेंट करके बताइए, नदियों का देश किसे कहते हैं? अपने भारत के आसपास का ही देश है, पता हो कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर आपको ना लोक लेखा समिति तो ठीक करना ही होगा, प्राकरण भी है, सरकारी उपक्रम भी है, संसद की वित्तीय समितियां हैं, डी आपको ठीक करना होगा। यहां पर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर थर्ड, भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा के तट पर है बद्रीनाथ। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी, सागरीय प्रकृति के द्वारा होता है, प्रक्रम द्वारा होता है टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण। 2002 में दूसरा वाला जो पृथ्वी सम्मेलन है किस नगर में आयोजित हुआ था बताइए? ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग में। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बेल्जियम को कहते हैं। किसी कह रहा है कि 2 लीटर धारिता के जार में 500 लीटर सरसों का तेल भरा है, यह तेल दाब आरोपित करेगा, यहां पर आपको टिक करना होगा 35 का ऑप्शन नंबर डी, केवल तिरछे यानी कि पार्श्व फलक पर यह तेल दाब आरोपित करता है। जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, इसकी तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों में कमी होती है। जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करेगी ना, तो प्रकाश के लिए कह रहे हैं ना कौन सा कथन सत्य है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों में कमी होती है, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? ऑप्शन बी, वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी, सही जवाब हो जाएगा। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? ए राइट आंसर, विलयन के रूप में करते हैं, जरूर याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? ऑप्शन बी, गुजरात का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ए अनुच्छेद 51 के ए में है। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कार्बन हो जाएगा, सही जवाब। फास्टैग का आशय क्या होता है बताइए? तो टोल टैक्स के लिए कैशलेस भुगतान की व्यवस्था है, टोल पे जाएंगे, एक क्यूआर स्कैन लगा रहता है, उससे खुद से मतलब पैसा वगैरह कट जाता है, इसे ही फास्टैग कहते हैं। नीचे दिया गया कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है, कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर, इसका ताप 100 डिग्री से बहुत अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा, किसका? तो नॉर्मली लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अमीटर है। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण? अमीटर का यूज करते हैं। माइक्रा जिसे आप अभ्रक कहते हो किस काम में लाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, माइका का यूज होता है विद्युत उद्योग में। हैजा का क्या कारण है?
ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए टिक करना होगा, जीवाणु की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल जिसे आप कहते हो ना, इसका एक उदाहरण है, बताइए कौन सा ईंधन है। यहाँ पर आपको ए सी राइट आंसर टिक करना होगा, कोयला गैस हो जाएगा सही जवाब। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य सही जवाब। इंद्रधनुष 2.0 क्या है, ए राइट आंसर। 8 बीमारियों से बचाव के लिए, बचाव के कह रहे हैं कि किस सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान होता है। देखिए 8 बीमारियों से बचाव के लिए ना केंद्र होगा, केंद्र सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान को कहते हैं। नंबर 51 सॉल्व करना चाहें बिल्कुल करिएगा, सी राइट आंसर। नंबर 52 है, ओजोन परत का क्या कार्य है। इसका ना कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी, क्या कह रहा है, सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना होता है काम ना, ए हो जाएगा, बी नहीं, ए सही जवाब है। नंबर 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 53, सॉल्व करेंगे ए आएगा राइट आंसर। नंबर 54 है, बोध गया में बोधि वृक्ष है ना अपने वंश की इस पीढ़ी का, मतलब कितने नंबर का यह है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होगा, चतुर्थ पीढ़ी का है सही जवाब है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कथन पर विचार करिए, ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप खुद से वीडियो को रोक लेंगे। नंबर फर्स्ट, भारत में संविधान सभा का विचार एम एन रॉय ने सबसे पहले 1934 में दिया, बिल्कुल सही है। नहीं, संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे, हाँ यह भी सही है। नंबर 55 का ना बी टिक करना होगा, पहला और चौथा कथन सही है। नंबर 56 बी आ जाएगा सही जवाब। 57, भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नंबर जो 58 है बी आ जाएगा सही जवाब। 59 को देखेंगे, निम्नलिखित मुगल बादशाह में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जहांगीर ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, भारत, ए सही जवाब। भारत के पंचायती राज के निम्नलिखित में से किस संशोधनों का संबंध पंचायती राज एवं नगर पालिका की संस्था से है, 73वां 74वां आप जानते हो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना होगा, चाय। 63 को सॉल्व करिएगा, डी आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 64, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में, किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। देखिए सभी जिले से यहाँ पर करती है, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर सही जवाब है। टोटल बिहार में 12 जिलों को लगती है, यह ध्यान रखिएगा। मिर्जा गालिब किसके समय में थे, मिर्जा गालिब ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। सुगौली की संधि कब हुई थी, मार्च 1816 में हुई थी सुगौली की संधि, डेट अगर जानना चाहे 4 मार्च याद रखिएगा। केंद्रीय विधान परिषद के दो सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांटा गया है, ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के तहत सही जवाब है। कहने का मतलब है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 अधिनियम से ना केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है, यही यहाँ पे कह रहा है। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। कौन सा युग में यहाँ पर सही नहीं है, राज्यपाल का पद 155 में, राज्यपाल का पद तो अनुच्छेद 153 में है ना, पहला ही गलत मिल गया। राष्ट्रपति 52, उपराष्ट्रपति 63, प्रधानमंत्री 74 सही है। 1 गैलन का मान 3.785 लीटर होता है। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही डायरेक्ट यानी कि एक्शन डे जो है इसके लिए चुना था, तो 71 का हो जाएगा आपको बी राइट आंसर, 16 दिसंबर 1971
46 को चुना था। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? ऑप्शन नंबर डी बिट्स से। सागर सम्राट है भारत का प्रथम। ऑप्शन नंबर सी मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ए झींगा उत्पादन से। किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? ऑप्शन डी कहाँ पर? केला में हो जाएगा। लोहे की मात्रा इन सब में से पूछेगा ना, 75 का डी बताइएगा, केला में। बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स, सी राइट आंसर। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गरिबाल्डी पेशे से क्या थे? ऑप्शन सी नाविक। संस्कृति प्रत्येक समाज की एक सार्वभौमिक अवधारणा होती है। राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना सही जवाब है। जिला शाख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत, ए सही जवाब। वह पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है उसे आप फास्फोरस चक्र कहते हो, सी राइट आंसर है। निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? मैथ्स डे कब मनाते हैं? यहाँ पर आपको बताना होगा, यहाँ से डेट से तो एक सवाल पूछा ही जाएगा, पता ही होगा आपको यह। ऑप्शन नंबर डी 14 मार्च को। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में से किन भारतीयों को शामिल किया है? MSS राजामौली और शाहरुख खान दोनों को। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? अपना भारत, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए के वी साजी बने। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ऑप्शन बी राजीव कुमार। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ लिया? मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी। अंबेडकर अलाइफ पुस्तक को किसने लिखा? ए शशि थरूर ने लिखा है। आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की? ए सीएसके टीम में थे वे। कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया? ऑप्शन बी यूटी खादर को। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई? ऑप्शन सी गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री 2023 में अगर पूछे मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया, तो एग्जाम से पहले आपको ध्यान रखना है, फिलहाल अर्जुन राम मेघवाल आप याद रखिएगा। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी ने। मोदी सेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक का नाम है, ऑप्शन नंबर डी एस जयशंकर साहब हैं जो कि विदेश मंत्री हैं। जर्मन पीस प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर का नाम बताइए, साई होप आपको यहां पर बताना होगा, ठीक है? साई होप सही जवाब है। यहां वेस्ट इंडीज है ना, वहां के खिलाड़ी हैं, यह ध्यान रख लीजिएगा, साई होप। 2022 में विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को किया गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर विराट कोहली सही जवाब है। आ जाइए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं कितने?
ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, पांच पद है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित दर्रा का नाम, ऑप्शन बी पालघाट। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना होगा, दोदा बेटा। तीन ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा होगा। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था, सम्राट जॉर्ज पंचम ने। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी, ऑप्शन ए थियोडोर जेंसन से सीखी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चित्रकार जो रवि वर्मा थे, इन्होंने तैल चित्रकारी किससे सीखी थी, तो ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होगा, ठीक है, थियोडोर जेंसन से। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक का नाम, ऑप्शन नंबर बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। नंबर एट का राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। नंबर नाइन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करके सही कथन का चुनाव करिए। देखिए कह रहे ना, पूरी सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है, गलत है, अमावस्या की रात्रि को होता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट तो गलत मिल गया। सेकेंड देखिए, चंद्रग्रहण हमेशा अमावस्या को कह रहा है, तो चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में होती है, ठीक। थर्ड देखिए, 21 सितंबर और 21 मार्च कहा ना, यहाँ पे आप 23 सितंबर और 21 मार्च याद रखिए। मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। नंबर फोर, ध्यान रखेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है ना, हमेशा मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आंशिक या पूर्ण दोनों हो सकता है, ठीक है, हमेशा आंशिक होता है, कह रहे ना, आंशिक और पूर्ण दोनों हो सकता है, हमेशा नहीं रहता तो फिर ये सही हो सकता था, लेकिन हमेशा कह रहे हैं जी नहीं, हमेशा नहीं। यहाँ पे चारों कथन गलत है, ऑप्शन डी टिक करेंगे। स्वेज नहर की लंबाई जो है ना लगभग कितनी है, लगभग 168 किलोमीटर, सी सही जवाब। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता साहित्यकार जो थे, नाम मलयालम वो साहित्य के थे, आपको ध्यान होगा, कौन, शंकर कुरूप साहब थे। क्वींस बैरी रोल संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ से, मुक्केबाजी से संबंधित है। निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ यानी कि माता के गर्भ से कह रहे कि जन्म लिया था, ऑप्शन नंबर आपको सी मुगल शासक जहांगीर और शाहजहां आपको बताना होगा। मुगल काल में दो शासक जो राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था पूछा, तो यह ना रिपन के समय में किया गया था, ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 15 में करना होगा, डी टिक, डी सही जवाब है। शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क सड़क ए आजम कहलाती थी, वह क्या थी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कहाँ वह थी, कहाँ से कहाँ तक, कलकत्ता से पेशावर तक थी वह। कथन पर विचार करके सही कथन को चुनिए। पॉडजोल मिट्टी कोंधारी वन प्रदेश में मिलने वाली मिट्टी है, ठीक। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम चारनोजम मिट्टी है, सही है। करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, ठीक है। सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है, बिल्कुल सही है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा अपना। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, नंबर ए प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था, ऑप्शन नंबर आपको सी इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आया था, ठीक, ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा। नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक
और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? ए अनुच्छेद 45 के द्वारा। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के प्रति। इंडियन पॉलिटी का क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, जो कि महेश कुमार बर्नवाल सर का जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक का था, उसे देखिएगा। क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। 3 क्लास आप पॉलिटी का देख लीजिएगा, लगभग 4 घंटे के आसपास का होगा। पूरा पॉलिटी 6 से लेकर 12 तक का है, संपूर्ण निचोड़ आपको 2023 वाला जो लेटेस्ट बुक है उसका क्लास दिया जा चुका है। प्लेलिस्ट आप चाहें तो आकर वहाँ भी चेक कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों के द्वारा किया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ी में। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा क्या होगा? अंडा पानी पर तैरता रहेगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो उसका भार अधिकतम बताइए कहाँ पर होगा? ऑप्शन बी पृथ्वी तल पर। परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? परिदर्शी का उपयोग पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? चालन होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सितंबर के महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया गया, उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा कितनी खर्च हुई होगी? आपको तो यह आना चाहिए सॉल्व करने के लिए सही से। कुल विद्युत खपत अगर पूछेगा ना यूनिट में, शक्ति यानी कि शक्ति गुने विद्युत उपकरण की संख्या और समय को कर के गुना, बट्टे में बस 1000 आपको करना होता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो ऑप्शन नंबर सी उसका वेग परिवर्तनीय होता है। नंबर 30 को सॉल्व कर लीजिएगा, डी आ जाएगा सही जवाब। बताइए जब पानी उबलता है तो इसका ताप, जब पानी उबलेगा तो उसका ताप में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा, एक समान स्थिर रहता है। और पानी को 4 डिग्री पर, पानी ना 4 डिग्री पर सर्वाधिक घनत्व होता है, यह ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित अक्रिय गैस में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में, कौन सी वायु है जो सर्वाधिक मात्रा में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा, आर्गन सही जवाब है। अक्रिय गैस में पूछा है, ध्यान रखिएगा आर्गन हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल की अस्थायी कठोरता ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट की वजह से। कौन सी धातु अलोह धातु है? ऑप्शन बी एल्युमिनियम सही जवाब है। नंबर 35 सॉल्व कर लीजिएगा, बी सही जवाब आएगा। नंबर 36 है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? ऑप्शन सी प्रोटीन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन की कमी होगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 11 मई को, ऑप्शन ए सही जवाब है। 39 सॉल्व करिएगा, बी आ जाएगा सही जवाब। नंबर 40 है, निम्न में से किसमें कह रहा है क्लोरोफिल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी कवक में। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान अधिकतम होता है? ऑप्शन ए वसा का। नंबर 42, निम्नलिखित वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब? ऑप्शन नंबर बी आँखें शरीर के कहाँ, दोनों तरफ हो सही जवाब है। बताइए कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है? ऑप्शन बी
संघनन, जमना और ठोस से तरल में आएगा तो पिघलना सही जवाब होगा। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, जड़ें ना पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर किस दशक में नकारात्मक रही थी, मतलब घट गई थी, 1911 से 21 का समय पीरियड में। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अशोक स्तंभ को सबसे पहले किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, बी राइट आंसर है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं, सवाल को समझिए, कह रहा है तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहा जाता है, इसे आप गैलेक्सी कहते हो, ऑप्शन बी। जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होगा, काफ़ी ईजी है, काला। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, देखिए कदांगी साड़ी कह रहा है ना कर्नाटक, यहाँ पे कदांगी साड़ी कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु आपको बताना होगा, तमिलनाडु में बनता है। और पटोला साड़ी कह रहा है पंजाब, तो पटोला बनता है गुजरात में, ठीक है। कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु, एकदम ठीक। गामसा असम में, बिल्कुल ठीक। नंबर 50 का ऑप्शन ए, तीसरा चौथा बस सही है, मैच करिए। देखिए कुवैत के लिए आपको ना दिनार बताना होगा, ठीक। ईरान अगर की मुद्रा की बात करें रियाल, सूरीनाम का सूरीनामी डॉलर चलता है, ठीक है। और डेनमार्क का अगर पूछे तो क्रोन चलता है, ठीक। तो सूरीनाम के लिए आप यहाँ पे गिल्डर को मैच कर सकते हो, लेकिन मुद्रा जो है वो सूरीनामी डॉलर होता है, यह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 51 का ए सही जवाब है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, बीपीएससी वाले एग्जाम में इस बार पूछा था महिला साक्षरता दर बिहार में, और ऑप्शन भी बिल्कुल वहाँ पे जो था गलत दिया हुआ था। यहाँ पे 52 में आप 61.8 ध्यान रख लेंगे, महिला साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ना 51.50 है, और 52 इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ है, ऑप्शन ए मंड। निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है, ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होगा, शाख नीति का सही जवाब है। नंबर 55 कह रहा है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, ए श्रम नीति का, ए यहाँ पे आपको इमो को आपको टिक करना होगा, 55 का ना ए सही जवाब हो जाएगा। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की जो प्रायः है ना इमोगो अवस्था कहलाता है, वह अधिक हानि पहुंचाती है, ठीक है। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है, अपवर्तन है, परावर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी पोलियो का। निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर आपको रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, सभी दिए थे, डी टिक करना होगा। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ए सही जवाब। जोराष्ट्रियन कहलाते हैं, ऑप्शन बी। अग्नि पूजक जाति के अनुयायी कहलाते हैं जोराष्ट्रियन। निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है, राज्यसभा के उपसभापति को नहीं होता, राज्यसभा के सभापति देंगे, विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष सही जवाब यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे जो लोकसभा के उपसभापति है ना इसको अधिकार नहीं होता है, इसके अनुसार आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा, 61 का। नंबर 62 देखिए,
ब्रिंग द बॉडी हियर का समन किस रेट से है? ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रतीक्षीकरण से है, ध्यान रखेंगे। तमश उपन्यासकार के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन बी भीष्म साहनी सही जवाब है। देखिए अगर आप लोगों को क्लास काफ़ी स्लो लग रहा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट वाला जो क्लास आपको मिलेगा फिर थोड़ा फास्ट मिलेगा, आराम आराम से कूल होकर के क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर पढ़ने का टाइम भी दिया जा रहा है, काफ़ी धीरे धीरे बताया जा रहा है, या नहीं आप चाहें तो क्लास को 1.25 या 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हैं अगर आपको काफ़ी स्लो लग रहा होगा तो, नहीं आराम आराम से समझते चलिए। 64 यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि ना ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? सुमंत ऑप्शन डी। पूर्व की ओर बहने वाले भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी जिसे आप रिफ्ट वैली कहते हो यह है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर में है, सही जवाब हो जाएगा। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस शीर्षक जो है पुस्तक किसकी नवप्रकाशित रचना है? नंबर सी ग्रेटा थनबर्ग की है। 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन कह रहा है सही नहीं है? देखिए दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, ठीक है, दोनों बहुलक है, ठीक है, आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, गलत है, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको टिक करना होगा। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था कब? 1576 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। निम्न पदों में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है? शॉर्ट कॉर्नर ऑप्शन बी राइट आंसर है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ना इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता है, यानी कि बी सही जवाब है। हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइशुंग ने, ए सही जवाब। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, रायबरेली सही जवाब है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति जो है मृत हो रही है, किसके वजह से? तो भूमंडलीय उष्मन के कारण हो रही है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आप यह काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने। म्यूनिक समझौता में निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? चेकोस्लोवाकिया को किया गया था, ग्रेट ब्रिटेन को किया गया था, जर्मनी को किया गया था, लेकिन रूस को नहीं किया गया था। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा सही जवाब है। भारत में सबसे पहले जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब से मानी जाती है? ऑप्शन डी वर्ष 2005-06 से। अस्तेय का सिद्धांत निम्न में से किसका पूरक सिद्धांत है? अपरिग्रह के सिद्धांत का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आधुनिक भारत में निम्न में से कौन एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है? 81 का ए राइट आंसर सांप्रदायिकता सही जवाब है। निम्न में से किसने सबसे पहले जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, यह सवाल बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बताना होता है। रेमंड एफ दशमान ने सबसे पहले वर्ष 1968 में, ध्यान रखिएगा, प्रयोग किए थे जैविक विविधता शब्द का। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया?
83 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 28 मई 2023 को। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया? मोहम्मद शमी ने। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन आयोग के 100% कवरेज को प्राप्त कर लिया? ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना ने किया है। मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी फिजी के। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको ब्रिस्बेन बताना होगा। कहाँ पर? ब्रिस्बेन में किया गया है। सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका कि निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए बिंदेश्वर पाठक सही जवाब हो जाएगा। मई 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार का नाम बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है सवाल, विमल पटेल आपको सी बताना होगा। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कॉपोक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? ऑप्शन ए सज्जन सिंह ने। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए? ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर। मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ परामट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ पर एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर डी अपना प्यारा भारत ने जीता है। 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर बी बीपीएससी में यह भी सवाल पूछा गया था। किस राज्य को गोल्ड पेंटिंग की जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या किया गया है? अमृत उद्यान सी सही जवाब। भारतीय मूल किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया? जांजिया गुप्ता आपको सही जवाब बताना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 127वां डी सही जवाब। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन बी क्रिकेट से संबंधित थे, क्रिकेटर थे। पहला अपना जो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह खेले थे। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया, मोस्ट वेवीआई है हैदराबाद में किया गया है, सी सही जवाब है। आ जाइए अब प्रैक्टिस शीट नंबर 9 को देख लेते हैं। बताइए कह रहे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग अप्रॉक्स कितना है? ऑप्शन नंबर बी 12,756 किलोमीटर है, और अगर ध्रुवीय व्यास का विस्तार पूछेगा 12,713 किलोमीटर बता दीजिएगा। नंबर सेकेंड को सॉल्व कर लीजिएगा, डी आ जाएगा। उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है? ऑप्शन नंबर ए R^3/2 सही जवाब हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी? ऑप्शन सी सिक्किम की। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? ऑप्शन बी सबसे निचले स्तर से। भारत की भौगोलिक स्थिति है? ऑप्शन ए पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दुआब शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर सी जहाँ दो भिन्न नदी अवस्थाएं के बीच की भूमि हो उसे दुआब कहते हो। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? पवन छिपित ए सही जवाब। निम्नलिखित कथन पर विचार करके सही कथन इन सब में से कौन सा दिख रहा है बताइए। देखिए भारतीय परिषद एक्ट जो 1892 है ना, 1861 के द्वारा वायसराय अध्यादेश जारी करते हैं, सबसे पहले सही है ठीक है। नंबर सेकंड को देखिए भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, यह भी सही है। भारतीय परिषद एक्ट जो है 1909 के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया, यह भी कथन सही है। भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा संवर्ती सूची को जोड़ा गया, बस यही एक यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ना
1935 के द्वारा यह जोड़ा गया था। ठीक, ऑप्शन बी सही जवाब, और डी में आप करेक्शन करेंगे, 1919 के जगह 1935 के द्वारा समवर्ती सूची को जोड़ा गया था। निम्न में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर को कम करना सही जवाब है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण की यह विधि नहीं है। उत्पादक के 5 कारक हैं, ऑप्शन ए भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस यानी कि जोखिम। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? सर्विस के दौरान, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को। लघु ज्वार भाटा कब आता है? शुक्ल सप्तमी के दिन, ऑप्शन सी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पारोशनी नदी ए। झेलम का वैदिक नाम विस्तता है। चिनाब का अश्किनी, रावी का पारोशनी आप देखा, व्यास का विपाशा, सतलज का आपको शतुद्री, और सिंधु को आप सिंध याद रखिएगा। चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर गर्भ मुद्रा भी बताना होता है। संपूर्ण क्रांति का जो विचारधारा है किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी जयप्रकाश नारायण टिक करेंगे। सादिर किसका पुराना नाम है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम का। रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल, ऑप्शन नंबर सी बैंक के माध्यम से। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी भटकल कहाँ पर है? कर्नाटक में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है जिसका कि क्षेत्रफल है 75,000 वर्ग किलोमीटर। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? राजस्व प्राप्ति में क्या शामिल नहीं होता है? ऋणों की वसूली, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। रैयत वाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है क्योंकि ना इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी, सही है। कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी, सही है। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वर्ष 1905 को। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह कहिए या आंदोलन कहिए किसानों से संबंधित नहीं था? बारदोली था, चंपारण था, खेड़ा था, अहमदाबाद सत्याग्रह नहीं था, यह आप ध्यान रखिएगा। गलत कथन यहाँ पर चुनिए। देखिए, गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुणधर्म खो देता है, सही बात है। बार चुंबकों को जोड़ों में इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हो, ठीक। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ठीक। समान ध्रुव कह रहा है, विकर्षित करते हैं, ठीक है। निकिल तथा कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, गलत बात है यह। डी हो जाएगा राइट आंसर अपना। कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा बताइए? बेकिंग सोडा और कोई व्यंजक, पहला चौथा सही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? कच्ची सामग्री ना प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, तीनों सही है। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर? पेशी में। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाएं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 1 यूनिट। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता का नाम, ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन ने, देखिए 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है?
स्थगन प्रस्ताव को ए सही जवाब। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। संसद के दोनों सदन के समावेशन पर ए सही जवाब। अनुच्छेद और विषय को यहाँ पर मैच करना है। 300 के ए के तहत आपको पता है संपत्ति पे आप टिक करेंगे। 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का गठन हुआ है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता, 195 विधानसभा सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की गई है। 34 का डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेशन नहीं था? मूल कर्तव्य का। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह सही जवाब है। सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकार का क्या नियम था? ऑप्शन बी सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? ऑप्शन बी 1327 में। सही कथन कौन सा है? देखिए रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है क्या, याद करिए। तो राजस्थान में है ना, रावत भाटा और राणा प्रताप सागर कोटा के निकट में राजस्थान में है ना। यहाँ पे आरजे हो जाएगा। ठीक है, नरोरा परमाणु कहाँ है? कर्नाटक में है क्या, याद करिए। तो उत्तर प्रदेश में है, यह भी गलत है। काकड़ापारा कहाँ है? तो यह भी गलत आपको दिया हुआ है, समझ गए आप। यहाँ पे आपको डी टिक करना होगा, एक भी सही नहीं है। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाता है? 165 मीटर पर, याद रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? सतपुड़ा, ऑप्शन सी। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना काटा कहा जाता है? भाग 3 को, ऑप्शन बी। कथन पर विचार करिए, सत्य कथन का चयन करिए। नंबर फर्स्ट है, भारत सरकार प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाती है, याद करिए। सही है क्या? सही है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर, गलत हो गया ना, शिक्षा दिवस मनता है इनके नाम पे। नंबर सेकंड गलत है, यानी कि नेक्स्ट है कि भारत के गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि मिस्र देश का था, सही है। भारत सरकार का लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं? ऑप्शन नंबर बी 3 बार सही जवाब हो जाएगा। ठीक, किस श्रेणी के यौगिकों के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी समजातीय श्रेणी कहते हैं। बताइए कि कोलाइड का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना पड़ेगा, धुआं। गैस से भरे एक जार में गुलाब की रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है। सवाल को समझिए, गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने से रंगहीन हो जाएगा, तो जार में कौन सी गैस है बताइए? ऑप्शन डी क्लोरीन। सामान्य स्वस्थ मानव का जो रक्त दाब है वह कितना होता है? 120/80, बी राइट आंसर है। एक सींग वाले गेंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है? काजीरंगा की, ये सही जवाब है। पूना समझौता था सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? ऑप्शन सी वर्धा से। नंबर 52 सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नंबर 53 में आपको मैच करना है। देखिए विजय स्तंभ का स्थान पूछा ना,
चित्तौड़ में है। पत्थर का मस्जिद कहाँ पर है? पटना में। बादशाही मस्जिद लाहौर में। मक्का हैदराबाद में है मस्जिद। 53 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। मैंगो सावर जो है किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है? कर्नाटक में। हार्मुज जलसंधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? ओमान और फारस की खाड़ी को। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? जे बी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नंबर 57 को सॉल्व करिएगा, बी आएगा आंसर। नंबर 58 को सॉल्व करिएगा, ए आएगा आंसर। नंबर 59 को देखिए, पायरोमीटर क्या है? सौर विकिरण को मापने का यंत्र होता है पायरोमीटर। आइंस्टीन के समीकरण ए इक्वल टू एम सी स्क्वायर में सी का तात्पर्य क्या है? प्रकाश की गति। ऑप्शन बी सही जवाब है। जो विटामिन उपचायक रोधी भी है वह कौन सी है इन सब में से बताइए? तो यहाँ पे 61 में टिक कर दीजिए आराम से ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ए सी और ई हो जाएगा। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम सही जवाब है। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगमों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? ऑप्शन बी अंदर के मगमे में ठंडा पानी डालकर। ताजमहल का निर्माण भारत और किसके विशेषज्ञों ने किया था? ऑप्शन नंबर बी भारत और फारस के विशेषज्ञों ने किया था। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। नंबर 66 का डी आ जाएगा राइट आंसर, सॉल्व कर लीजिएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट का लागू करने का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर बी जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भराहवा के। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी अधिश राशि है? ऑप्शन नंबर सी कार्य अधिश है, बल वेग त्वरण सदिश है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ए आवृत्ति पर। कौन ठोस कणिकीय प्रदूषण के उदाहरण हैं? ऑप्शन बी एरोसोल। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? ऑप्शन डी प्रारूप समिति। निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? इंडियन पॉलिटी में आपको शास्त्रीय भाषा के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया जा चुका है। टोटल 6 भाषा था, उसका टाइम पीरियड भी बताया गया है और अभी ही इंडियन पॉलिटी का क्लास आया है, ज़रूर आप उसे देखिए, फिर से समझ लीजिएगा। तमिल 2004 में तमिल को घोषित किया गया था। संस्कृत 2005 में। तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में। मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में किया गया था। इसमें से कौन सा नाम है जो नहीं लिया गया? मैथिली। तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008। इसके साथ साथ तेलुगु को भी शामिल किया गया था, कब? 2008 में। मलयालम को 2013 में और एक बचता है ओडिया, इसे 2014 में किया गया था, इतना को जरूर याद कर लीजिएगा। कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी संतुलित उत्पाद तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत। नंबर 76 निम्न में से किनके बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संधि जो है ना किसके बीच में हुई थी? यहाँ पर आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ठीक, फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी। ऑप्शन सी। आधुनिकता के अंतर्गत
विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में संपूर्णवाद का महत्व दिया जाता है। आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, समाज की धार्मिक एकात्मकता के रूप में। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 9 नवंबर को। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन सी, साहित्य से है। धुत कीड़ा जो है खेल का यूरोपीय रूपांतरण शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लूडो को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, लूडो को कहते हैं। चलिए अब करंट का सवाल है, फटाफट इसे देखिएगा। कह रहा है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ किसने लिया है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर भी बताना होगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की थी? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, 500। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ पर आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होगा, श्रीनगर में। टेबल थोड़ा सा खराब हो गया है जिस वजह से कि अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र पौडेल। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान बने हैं? समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। जनवरी 2023 में देश का नंबर वन पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, अस्का को। ध्यान रखिएगा, अस्का को किया गया है। सवाल है कि यह कहां पर है? तो ओडिशा में है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? ये समझ गए होंगे आप, कोल्लम। मतलब यहाँ के हर एक व्यक्ति को संविधान के बारे में अच्छे से नॉलेज है। जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर, देखिए 78वें के बारे में पूछा है, या आप ध्यान रखिएगा, ए कौस्तव चटर्जी, आपको 78वें के रूप में बताना होगा। जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जावेद अख्तर है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के थे। किस राज्य के मर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार की। अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बन गए? ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन वाजपेयी। अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी बनी है कौन? ऑप्शन नंबर सी, दीपिका मिश्रा। द्वितीय संबंधों को मजबूत करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? ऑप्शन ए, बांग्लादेश। शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना? ऑप्शन बी, आयरलैंड। वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? ऑप्शन नंबर बी, UAE ने किया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है? काफ़ी ईजी है, ऑप्शन नंबर बी, 75 सही जवाब है। आइए अब चलते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, नीचे दिए गए कथन को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन को पढ़िए, कह रहे कुछ जलीय पौधे जिसे आप जलोद्भिद कहते हो, इसकी पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। बिल्कुल सही है, मोम की परत पौधे को जल के ऊपर तैरते रहने में मददगार है। नहीं, गलत है, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी ठीक करेंगे। नंबर सेकेंड है, निम्न लक्षणों के आधार पर मानवों के शरीर के भाग की पहचान करिए। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है कह रहा है अत्यधिक कठोर होगा। नंबर जो बी है वह कह रहा है सिवाय जोर के कहीं नहीं मुड़ता है या फिर मुड़ती है, बताइए वह कौन सा पार्ट है? उसे आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, अस्थियां कहते हो। ठीक है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड का। नंबर फोर है,
किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होगी? ऑप्शन ए कम तापमान और उच्च दाब में। मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी CO2 और CO का बनना सही जवाब है। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का नाम? ऑप्शन नंबर बी अहमद लाहौरी। सेल की स्थापना कब की गई थी? फिर से कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर ए को, तो आप देखिए 1973 इंडियन पॉलिटी के क्लास में विविध टॉपिक जो आया था लास्ट में क्लास नंबर थर्ड में, उसमें यह भी बताया गया था कि किस किस चीज़ की स्थापना कब की गई थी। तो गेल का अगर पूछेगा GAIL गेल नहीं बताया गया था शायद उसमें, हो सकता है बताया भी गया हो, 1984 में हुआ था। ONGC अगर पूछेगा ONGC 1956 आप बता दीजिएगा। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली इस खिड़की को क्या कहते हैं, मतलब वो किसे कहा जाता है या पूछा है? तो ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, जिसे आप IDA कहते हो। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर से राज समिति ने किया था, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए मेघालय यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एटी करिएगा 19। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया था? ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक सुधार आयोग के परामर्श पर किया गया था। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होते हैं। यह निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष वापस कर दिया गया था? आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? ऑप्शन सी मंसूर ने। कौन पादशाहनामा का लेखक था? अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? ऑप्शन ए फिरदौसी। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? ऑप्शन डी औरंगजेब के। भक्तिकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य को। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था? ऑप्शन बी इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? ऑप्शन नंबर डी कृष्ण प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? फाहियान ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्ट मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए बाल मजदूरी रोकने से है। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? ऑप्शन नंबर डी एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए। दक्षिण भारत की कौन भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? 57 कह रहे हैं ना, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सबसे पुरानी है? यहाँ पर आपको तमिल बताना होगा, डी राइट आंसर है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर में है। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? ऑप्शन नंबर सी क्वीन मैरीलैंड में है। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? ऑप्शन सी जोजिला। तैराकी किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तैराकी की किस स्पर्धा कौन सा कंपटीशन में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? यहाँ पर आपको ए बताना होगा फ्री स्टाइल में। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं आप?
ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल के। निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करती है? ए खंभात की खाड़ी। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आर बी सी ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है? ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। कोहरा बनता है जब? जब ऑप्शन नंबर ए सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है। कहां कि संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? ऑप्शन बी ब्राजील की। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? ऑप्शन बी अरविंद घोष। विश्व पर्यावरण दिवस है मतलब 5 जून को होता है जानते हो। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए अकबर सर थॉमस रॉ के समय में दिया हुआ गलत है। सर थॉमस रॉ 1615 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर यह आए थे, ठीक है। और यहाँ पे मतलब जो भी है यह गलत दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस, शाहजहाँ के समय में ट्रेवेनियर और औरंगजेब के समय में मनुची आया था, याद रखिएगा। भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य ऑप्शन ए केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? ऑप्शन डी बिना किसी राज्य की सहमति से। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहे के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी हवाई द्वीप को जाना जाता है। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी है? ग्रेटा थनबर्ग की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य कहाँ होता है? हमारे पीठ पीछे। ए राइट आंसर है। टिटनेस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? लॉकजा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती? ऑप्शन नंबर डी ग्रहण का होना। बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन डी निशानेबाजी से। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी है? ऑप्शन बी ब्रिटेन की। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है? सदन का ध्यान आवश्यक लोह महत्व को महत्व के मामले पर आकर्षित करना होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। किस राज्य में उसकी कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा हैं? 2011 के डेटा के अनुसार ए बिहार सही जवाब। BCCI के बारे में कह रहा है कि भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना NDDA के दायरे में आने के लिए तैयार हो गया। NADA जो है NADA ध्यान रखिएगा, इसका विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी सही जवाब है। जब दिन रात बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को तथा सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑप्शन नंबर ए इक्विनॉक्स कहते हैं। गलत कथन बताइए। क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, खो खो में 9, कबड्डी में कह रहा है कि 8, बताइए 8 होते हैं क्या? नहीं 7 होते हैं। वॉलीबॉल में 6। 57 को सॉल्व कर लीजिएगा, ए आ जाएगा सही जवाब। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान ऑप्शन ए बढ़ जाता है। तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ सोडियम क्लोराइड, ए राइट आंसर होगा। कॉन्टैक्ट जो प्रक्रिया है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा छिपी कहलाती है, ठीक है ऊष्मा छिपी।
पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हैं। चांदी के कप का बदरंग होना रासायनिक परिवर्तन है, नेप्थिलीन के पिंडों का उर्ध्वपातन जो है ना यह नहीं होगा रासायनिक परिवर्तन, जल का विद्युत अपघटन हाँ यह होगा, भाप का संघनन नहीं होगा। पहला और तीसरा सही ऑप्शन ए। हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? हेम्प यानी कि भांग से। जब कह रहा है कि एक देखिए एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फेनोप्थलेलिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है, निम्नलिखित में से एक कौन सा तत्व हो सकता है? ऑप्शन डी सोडियम हो सकता है। जीवाणु में कह रहा है कि गुण सूत्रों की संख्या निम्नलिखित में से होती है, कितनी होती है? यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ए बताना है। समझिएगा, मच्छर में गुणसूत्र पूछेगा ना 6 बता दीजिएगा, कुत्ता में 78, आलू में पूछेगा 48, मनुष्य में 46, खरगोश में 44, मेंढक में 26, मच्छर में 6 और एस्केरिस में 2 होता है, ध्यान रखिएगा। जीवाणु में पूछेगा 1 बताइएगा। निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन बी पत्ती। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके ऑप्शन नंबर सी तरंग दैर्ध्य के द्वारा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है ऑप्शन डी अनंत। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, यह परिघटना ऑप्शन नंबर सी जड़त्व के गुण को दर्शाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र यानी कि डेड हार्ट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? पामीर के क्षेत्र को ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर के पठार को। 72 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नंबर 73 को सॉल्व करिएगा, डी आ जाएगा। 74 को देखिए, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? तो आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ ना प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाना, उत्पादन और उत्पाद क्षमता में वृद्धि हो जाना, आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो जाना, सभी हो जाएगा। 75 को सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। 76 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। 77 में देखिए, निम्न में से कौन सी संधि अफीम युद्ध से संबंधित है? नॉकिंग की संधि हो जाएगा सही जवाब। किन देशों में से मित्र राष्ट्र के सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, जर्मनी। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर आपको बी 2011-12। अपिक्को आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अपिक्को, तो ऑप्शन नंबर आपको यहां पर बी बताना होगा, दक्षिण भारत से संबंधित है अपिक्को आंदोलन। प्रवास का सिद्धांत आधारित है, पर प्रवास का जो सिद्धांत है वह कहाँ इन सब में से किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी व्यक्ति की इच्छा पर बताना है। घरेलू हिंसा अत्यंत ही ऑप्शन नंबर ए जघन्य अपराध है। अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया? एनसीपी से, टीएमसी से, सीपीआई से। ऑप्शन डी सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश का नाम? ए राइट आंसर तिब्बत हो जाएगा। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री का नाम? सबसे कम पूछा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी ममता बनर्जी आप बता दीजिएगा। AIMA ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया है? ऑप्शन नंबर सी मंगलम बिरला का। ममता बनर्जी जिस आवास में रहती है ना,
अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा। एक मुख्यमंत्री होते हुए बहुत सिंपल सा छोटा सा घर में रहती हैं, आपको शायद देख के आश्चर्य लगे अगर आपको पहले से नहीं पता हो तो। आपने भी देखा AIMA ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेट अवार्ड किसे दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी बताना होगा, मंगलम बिरला को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है, 26 नवंबर को, डी राइट आंसर है। मई 2023 में चक्रवात मोर्चा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान चलाया, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन करुणा सही जवाब है। 11 मई 2023 को अजय वारियर सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और यूके के बीच कहां पर आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, यूके के सैली सबरी प्लेन्स में। अप्रैल 2023 को प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य का नाम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड है। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज जो MV गंगा विलास है इसका उद्घाटन किया गया, कहाँ पर, वाराणसी में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। मई 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया, यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन नंबर डी ने। मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ए योगी आदित्यनाथ को। अंडर-19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता, ऑप्शन सी भारत ने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल की शुरू की है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नागपुर में। 1 से लेकर 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का जो 5वां संस्करण है कहां पर आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, तिरुवनंतपुरम में। कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी ओला वरु मल्लिक खर्जुना प्रसाद को। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ नाटू नाटू देखने के साथ ही आप टिक करेंगे, ए राइट आंसर RRR ने। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर्स किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है, तो एडिडास नया स्पॉन्सर है, ध्यान रख लीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस सीट नंबर 11 थंबनेल आपको शो कर रहा है, साथ ही साथ जो इंडियन पॉलिटी का क्लास है सार संग्रह महेश कुमार बंडवाल सर के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया लेटेस्ट बुक, उसका भी थंबनेल आपको शो कर रहा है। आप लोग अगर चाहें इसे देखिए, यहीं से सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्लास 6 से लेकर 12 तक का संपूर्ण निचोड़ है, इसे एक बार देख ही लीजिए। क्लास अगर पसंद आया हो तो आपको पता है वीडियो को लाइक वगैरह कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ।